अगर आपके सही तरीके से दाढ़ी नहीं आ रही है और आप ट्रीटमेंट्स करने के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, यानी आपको सस्ता ट्रीटमेंट चाहिए, आप गरीब है, तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए दाढ़ी के ग्रोथ करने के लिए, दाढ़ी उगाने के लिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक भाई ने कमेंट किया है, उनके दाढ़ी की प्रॉब्लम है और वो गरीब बता रहे हैं, मैं गरीब हूँ, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा। तो इस वीडियो में कमेंट पढ़ूंगा, फिर बाद में उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे कि आपकी दाढ़ी उगाने के लिए आप सस्ता ट्रीटमेंट्स और अच्छा ट्रीटमेंट्स कौन सा कर सकते हैं। तो ये भाई बोल रहे हैं, सर मेरे को थोड़ी थोड़ी पतली बियर्ड आ रही है, क्या मेरी बियर्ड आएगी? आई डोंट अफोर्ड एनी मेडिसिन फॉर बियर्ड, मैं गरीब फैमिली से हूँ, नेचुरली दाढ़ी आएगा ना कोकोनट ऑयल से, और कितने दिन में आ जाएगा? प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर, मुझसे आपसे पर्सनल बात करनी है। यानी ये बोल रहे हैं कि दाढ़ी थोड़ी थोड़ी है और ये कोई मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी जो टेबलेट कैप्सूल मेडिसिन बियडॉल्स वगैरह जो भी कुछ आते हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो भाई मैंने जो चैनल बनाया है वो इसी के लिए ही बनाया है कि मैं आपको होम ट्रीटमेंट्स बता सकूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग मेरे जो भी वीडियोस आते हैं, लगभग लगभग 90% जो वीडियोस आते हैं वो होम ट्रीटमेंट्स के ऊपर आते हैं कि आप घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, तो आपको बिल्कुल सस्ता और घरेलू उपचार मिलेगा जो कि बिना पैसों का होगा। तो आपकी अगर बियर्ड की प्रॉब्लम है, आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है, तो आपके घर पर प्याज जरूर होगा, जो अनियन होता है प्याज आपके घर पर, सभी के घर पर जरूर होगा। अगर नहीं है तो 1-2 रुपये में आप एक प्याज ले के आ सकते हो। तो आपको क्या करना है, उस प्याज को पीस के उसका रस है ना, तो जैसे कि आपने प्याज लिया उसको मिक्सी में पीस लिया और उसको आपको छान लेना है, या फिर जो उसका पानी है एक कपड़े से आप पानी को भर लें, बोतल में भर लें या फिर आप उसको रख लें। उसके बाद उस प्याज के रस को आपको एवरी डे आपकी बियर्ड पर अप्लाई करना है, दाढ़ी पर लगाना है, जिससे कि जो आपकी दाढ़ी की प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएगी। और अगर आप उसको पीसना नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक प्याज लेना है, उसमें से आपको एक फीस काटना है पतला वाला, और उस फीस को आपकी दाढ़ी जगह पर रगड़ना है, जहाँ पे आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है वहाँ पे आपको रगड़ना है, जिससे कि आपकी बियर्ड जो है फास्ट ग्रोथ होने लग जाएगी। तो ये जो ट्रीटमेंट है विदाउट पैसे का है, विदाउट मनी, यानी आप सोच सकते घर पर आपको आसानी से एक प्याज मिल ही जाएगा। तो ये कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, महंगा क्या, ये पैसों वाला ट्रीटमेंट ही नहीं है। और जो गाँव के लोग होते हैं वो तो खुद खेतों में फसल करते हैं, खेतों में प्याज वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए फिर ये बड़ी मतलब आसानी वाली बात है। बट भाई ये जो मेरा जो वीडियो है वो मैं गरीब लोगों के ऊपर नहीं बना रहा हूँ, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। प्याज में सल्फर होता है जो कि आपके फेस के ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, दाढ़ी वाली जड़ों पर जाता है, वहाँ से आपकी हेयर की ग्रोथ तेज़ करता है, तो सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। आपकी एज कोई सी भी हो सकती है, कोई नुकसान नहीं होगा, सेटबैक बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहे 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25-30 कितने भी साल के हो, एक बार आप प्याज का रस यूज़ करके ज़रूर देखे आपके दाढ़ी वालों को उगाने के लिए। और बात करें तो ये सभी की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि अगर आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है तो उस पर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी या पैची बियर्ड है उस पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके बाल पतले हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं। और आपको 15 से 1 महीने में दाढ़ी को एक बार जरूर शेव करना है, जिससे कि जो आपके दाढ़ी नए बाल होंगे वो आप उनको काट के दोबारा से वो अच्छे से ग्रोथ होंगे, यानी मोटे होने लग जाएंगे। तो इस टाइप से आप ये ट्रीटमेंट्स करें, आप चाहे गरीब हो कोई भी हो, मैं होम ट्रीटमेंट्स के ऊपर बिल्कुल सही वीडियो बनाता हूँ। तो आप अगर और भी ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं होम ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिसके ऊपर मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट्स आपको बता सकूं। आइए भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।